ओम गण गणपते नमः, ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। आज पचपारस का त्यौहार है जिसे ओगद्वायस भी कहते हैं, गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि गोवत्स द्वादशी पर गौ माता की पूजा क्यों की जाती है और इनकी पूजा से जुड़ी हुई दो कथाएं सुनेंगे। गाय को पृथ्वी के समस्त प्राणियों की जननी माना जाता है। आर्य संस्कृति में पनपे सभी प्राणी गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हे अवध्य गौ, उत्पन्न होते समय तथा उत्पत्ति के पश्चात भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरीर, रोम, खुर को भी मेरा प्रणाम है, जिसने पृथ्वी, भूमंडल और समुद्र को सुरक्षित रखा है। उस शस्त्र धाराओं से दुग्ध देने वाली गौ माता को मेरा बारंबार प्रणाम है। बछबारस गौवत्स द्वादशी भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ के सींगों में मध्य में ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कक्ष में सांध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, कुकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी जी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मानकर उनकी रक्षा न केवल प्रत्येक मानव मात्र का कर्तव्य है, वरन ये उनका धर्म भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जहाँ पर गौ माता होती हैं, वहाँ सभी प्रकार की समृद्धि, धन धान्य और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। विद्यते गोशु संभावम, विद्यते ब्राह्मणे तपः, विद्यते स्त्रीषु चापलम, विद्यते ज्ञातितो भयम्। इस श्लोक के प्रथम चरण में गाय की महत्ता तीनों लोकों में स्वीकार की गई है। अतः गाय प्रत्यक्ष देवता है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं और गाय के गोबर से लीपे जाने पर भूमि पवित्र हो जाती है। गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है। अब हम पचपारस की पहली कहानी आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं, इंद्राणी गौ का पूजन करने के लिए पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात मारती और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा कि तू बछड़ा कहाँ से लाई, मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुझे घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा कि अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने में गाय के सींगों से बांध दिया। पालने में बच्चे को लिटाया और अमृत के छींटे से जीवन दिया। गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा और भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा और भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सबको भाद्रपद मास की गौवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए।
इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार उस ग्वालन को पुत्र दिया वैसे ही सबको संतान का सुख देना। इस प्रकार ये पहली कहानी यही समाप्त होती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, बच बारस गौवत्स द्वादशी की दूसरी कथा। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया था। वहां पर एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है, कृपया करके इसका कोई उपाय बतलाइए। तब पंडितों ने कहा कि इसमें एक बालक की बलि देने से ही पानी आएगा। साहूकार बड़ी चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा। तो साहूकार के दो पोते थे। उसने सोचा कि एक पोते की मैं बलि दे दूंगा तो गांव में पानी आ जाएगा और सूखा समाप्त हो जाएगा। परंतु वह अपनी बहू से ये बात कैसे कहेगा। साहूकार बहुत दुविधा में था। तब साहूकार ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास में रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से छोटे पोते जिसका नाम बचराज था उसकी बलि दे दी। तालाब लबालब पानी से भर गया। तब साहूकार ने बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलवाया परंतु बहू को नहीं बुलवाया। बहू को सूचना मिली तब वह अपने भाई के साथ आने लगी। बहू ने अपने भाई से कहा कि इतने काम में शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने ही तो घर की बात है, अपने ही घर जाने में कैसे शर्म। बहू के आते ही सास ने कहा कि चलो बहू, बचबारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। बहू अपनी सास के साथ बचबारस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकार साहूकारनी मन ही मन यह सोच रहे थे कि अब क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका पुत्र नहीं रहा। तब साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। जब दोनों सास बहू तालाब और गाय की पूजा करके बैठे तब सास ने अपनी बहू से कहा कि तालाब का किनारा खंडित कर दो। तब बहू ने कहा कि माताजी ऐसा क्यों करना है, मेरे तो दो दो पुत्र हैं। परंतु सास ने उसको दोबारा कहा कि तालाब का किनारा खंडित कर दो। तब उसने अपनी सास की बात मानते हुए तालाब का किनारा खंडित किया और खंडित करते हुए बोली कि आओ मेरे बेटो, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन विनती कर रही थी तभी तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बचराज आया और हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न करके बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है। तब सासू जी ने अपनी बहू को सारी बात बताई और कहा कि बचबारस माता ने हम सबकी लाज रख ली, इसीलिए बचबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे साहूकार और साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। तो इस प्रकार ये दूसरी कथा भी यही समाप्त होती है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना।